हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बायोन्सी क्या होता है। व्हाट इज़ द बायोन्सी? तो जैसे कि यहाँ पे बायोन्सी की बात करते हैं, तो कोई भी बॉडी अगर है वो इमर्ज्ड होली या पार्शली है इन अ लिक्विड, इट इज़ लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड जो कि डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। जब कोई बॉडी इमर्ज है होली या पार्शली इन अ लिक्विड, इट इज़ लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स इक्वल है टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। दिस स्टेटमेंट कहलाता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ की बात करते हैं जो टेंडेंसी है लिक्विड की अप टू अपलिफ्ट करने के लिए एज एन इमर्ज बॉडी क्यों है? बिकॉज द अपवर्ड थ्रस्ट जो है लिक्विड का, अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज़ नोन एज अ बायोन्सी। जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की अपलिफ्ट एन इमर्ज बॉडी बिकॉज द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज़ नोन एज अ बायोन्सी। आगे बात करते हैं तो जो फोर्स टेंडिंग टू द लिफ्ट अप द बॉडी वो कहलाता है फोर्स ऑफ बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये जो पॉइंट है थ्रू विच द बाइंड फोर्स इज सपोज टू एक्ट एज नोन एज द सेंटर ऑफ बायोन्सी। इट मे बी नोटेड दैट फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि अगर फोर्स ऑफ द बायोन्सी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के है तो बॉडी क्या होगी, फ्लोट करेगी। जो फोर्स ऑफ बायोन्सी इज मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, बॉडी जो होगी फ्लोट होगी। लेकिन अगर फोर्स ऑफ बायोन्सी जो है वो लेस देन है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। फ्लोट कंडीशन क्या हो जाएगी, जब बायोन्सी ऑफ द फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से, जबकि अगर फोर्स ऑफ बायोन्सी जो होगी वो लेस देन होगी दैट लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड जो कि डिस्प्लेस है then body will be sink down. Thanks for watching and sharing.